हेलो दोस्तों, आज मैं छोले भटूरे की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम काबुली चना लिया हुआ है। इसे मैंने गर्म पानी से भिगोने के लिए रख दिया है, जिससे वह 3-4 घंटे में ही अच्छे भीग जाएंगे। देखिए छोले अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसे कुकर में बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब इसमें 2 तेजपत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल देंगे। मैंने एक आलू भी बारीक काट के डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल और आधा गिलास पानी डालकर कुकर लगा देते हैं। इसे गैस पे स्वीम आंच पे 2-3 सीटी होने देंगे। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज, अदरक का टुकड़ा और 15-20 लहसुन की कलियां, नारियल का टुकड़ा, हरी मिर्चियां 10-15 और थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया हुआ है। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने कलमी, 4-5 लौंग और 8-10 काली मिर्ची और आधा चम्मच शाहजीरा लिया हुआ है। तेल में तड़का देने के लिए मैंने हल्दी, जीरा, नमक, मिर्च पाउडर और सरसों लिया हुआ है। चलिए कुकर खोल लेते हैं। चना और आलू अच्छी तरह से पक चुका है। तवा गर्म करके गरम मसाला भून लेते हैं। मसाला अच्छा ब्राउन हो चुका है। अब इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मिक्सर के जार में मसाले को डाल देंगे। मसाला रेडी है।
गैस ऑन करके मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें राई और जीरे का तड़का लगा देते हैं। अब सब मसालों को इसमें डाल देंगे। इसे 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमने मसालों में पहले ही हरी मिर्ची पीस लिया है। और स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब इसे 2 मिनट पकाने के बाद इसमें छोले डाल देंगे। छोलों को मसालों में अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाते हैं। ये छोले अच्छे से पक चुके हैं। मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी डाल दिया है, आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। लीजिए, छोले की सब्जी तैयार है। भटूरे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है। मैंने 1/2 कटोरी दही डाला है और थोड़ा सा नमक डालते हैं। मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके आटा कड़क गूंथ लेंगे। इसे सेट होने के लिए 5-10 मिनट हम रख देते हैं। चलिए अब इसकी लोइयां बनाते हैं। इसकी लोइयां हमें बड़ी बड़ी बनानी है।
गैस में तेल गर्म कर रख दिया है। अब भटूरे तल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से भटूरा फूल चुका है।